नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि कुछ एक जो आंगनवाड़ी वर्कर्स को प्रॉब्लम आ रही है, उनका जो डाटा है वो अपनी तरफ से पूरा फिलअप कर देती हैं, लेकिन फिर भी पोषण ट्रैकर में जो CDPO वाली ID है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर वाली ID है, वो वहाँ पर जो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो उसका मेन काज ये है कि आपने क्या किया हुआ है कि आपने जो बेनिफिशरीज जो आपने डीएक्टिवेट करने थे, जो आपने बच्चों को स्कूल भेजना था, वो इज़ द चाइल्ड गोइंग टू स्कूल में करना था, जहाँ और कई रीज़न से आपने क्या किया कि माइग्रेट आउट किया है बेनिफिशरीज़ को। तो अगर हम यहाँ पे सबसे ऊपर जो बेनिफिशरी है, फिर डेली ट्रैकिंग, फिर होम विजिट, फिर एक्शन सेंटर में चले जाएँ, तो जहाँ पे है फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई फादर ऑब्लिक गार्डियन आधार, फिर है रजिस्टर बेनिफिशरी, फिर है वेरीफाई आधार, फिर माइग्रेट बेनिफिशरी, फिर है माइग्रेट आउट बेनिफिशरी। तो बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने यही गलती की हुई है कि जिनको डीएक्टिवेट करना था, जिन बच्चों को स्कूल में भेजना था, इज द चाइल्ड गोइंग टू स्कूल, उस वो वाला कॉलम लेना था, वो वाला ऑप्शन लेना था, उन्होंने क्या किया है कि उनको माइग्रेट आउट किया है। माइग्रेट आपको बताते चले कि माइग्रेट आउट का मतलब होता है कि टेम्परेरली बच्चा बाहर गया है, कोई 15 दिन के लिए बाहर गया है या 1 महीने के लिए बाहर गया है, तो माइग्रेट आउट परमानेंटली आपने नहीं करना है। तो जो परमानेंटली है वो माइग्रेट बेनिफिशरी का मतलब होता है कि माइग्रेट हो चुका है। माइग्रेट आउट होता है कि टेम्परेरली बच्चा 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अपनी नानी के घर गया है, जहाँ कहीं और गया है, रिलेटिव्स के घर गया है, जहाँ कहीं पिकनिक के लिए गया है अपने पेरेंट्स के साथ, तो उस केस में करना होता है। तो फिलहाल आपने माइग्रेट आउट बेनिफिशरी किसी को नहीं करना है, आपने क्या करना है कि माइग्रेट आउट वाले कॉलम में जाना है, उसको माइग्रेट इन करना है। जैसे ही आप माइग्रेट इन करते हैं तो आपने क्या करना है कि उनका अगर आधार वेरीफाई नहीं है, आपने आधार वेरीफाई करना है, तो उसके बाद इज द चाइल्ड गोइंग टू स्कूल वाले ऑप्शन में जा सकते हैं अगर वो 3 से लेकर 6-7 तक बच्चे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कि जो डबलिंग हो जाती है, कोई जो बेनिफिशरी एक को चढ़ाया, साथ साथ में वही बेनिफिशरी दूसरी बार चढ़ जाता है, उस केस में आपने क्या करना है कि उसको CDPO वाली आईडी से डीएक्टिवेट करवाना है, उसको माइग्रेट आउट नहीं करना है। अगर आपने किया हुआ है तो सबसे पहले माइग्रेट आउट जहां जाएंगे, और आपने जैसे ही माइग्रेट इन पे क्लिक करते हैं तो ये जो बच्चा है, व्हेन यू माइग्रेट इन द प्रोफाइल विल रिस्टोर बैक टू द बेनिफिशरी लिस्ट, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, तो आपने यहाँ यस करना है, तो ये हम गो टू होम में आ जाएंगे। फिर आपने दोबारा से माइग्रेट आउट वाले कॉलम में जाना है, जो भी पेंडिंग रहे होंगे बेनिफिशरीज उनको आपने क्या करना है, माइग्रेट इन कर देना है। जैसे जो मुन्ना जादव है, जहाँ पे हमने यस करते चलना है, तो आपने ऐसे इस प्रोसेस से जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनको माइग्रेट इन करके, जो है अगर बच्चा आपके आंगनवाड़ी सेंटर में नहीं आता है, जो स्कूल में जाता है, इज़ द चाइल्ड गोइंग टू स्कूल, वो वाला ऑप्शन है, उसके लिए आपने क्या करना है कि बेनिफिशरी पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, 3 से 6 साल तक अगर वो बच्चा है, फॉर एग्जांपल ये जो पहला बच्चा है, इसको हम क्लिक करेंगे तो अपडेट प्रोफाइल में जाएंगे। जैसे ही अपडेट प्रोफाइल में जाते हैं तो ये जो ऑप्शन है, पहले है नेम ऑफ चाइल्ड, नेम इन योर लैंग्वेज, आधार कार्ड है, तो उसके बाद आबा आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इज़ द चाइल्ड गोइंग टू स्कूल, आपने यस पे क्लिक करना है, तो वो ऑटोमेटिकली बच्चा जो है स्कूल में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन वो बच्चा आपने ध्यान रखना है कि जो बच्चा आप यहाँ पे पोषण ट्रैकर में है, वो स्टिल आपका बेनिफिशरी है, वो स्कूल में जा रहा है प्री स्कूल एजुकेशन के लिए, वो स्कूल में उसे न्यूट्रिशन वगैरह भी मिल रहा है, SNP भी मिल रहा है, इसलिए आप उस बच्चे को क्या करेंगे, उसका हाइट और वेट ज़रूर करना है, उस बच्चे का जो है आधार जो वेरीफाई ज़रूर करना है। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।